गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन क्या गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव शामिल हुए। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। बादशाहपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से लोकसभा और विधानसभा चुनावी बिगुल फूंक दिया। इस मौके पर कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत अपनी शक्ति प्रदर्शन में हाथ आजमाया। कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिन्होंने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो अब मुझे पहली बार मौका मिला है, आज मैं जींद उपचुनाव के बाद गुड़गांव, वैसे तो हम आए, लेकिन सार्वजनिक बड़े प्रोग्राम में आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। जींद के जो डिप्टी कमिश्नर थे, जिन्होंने पूरी धांधली करी, गड़बड़ करी, सरपंचों के साथ लेन देन किया, सेटिंग करी, आज उनको खट्टर साहब ने यहाँ डीसी क्यों लगाया, सबसे पहले तो इसी के ऊपर प्रश्नचिन्ह उठता है। क्या खट्टर साहब यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या यहाँ भी ऐसे ही घपले और घोटाले करवाना चाहते हैं? ये सारे सवाल आज लोग भी दबे उससे पूछ रहे हैं और हम सार्वजनिक तौर पे पूछ रहे हैं। तो ये परियोजनाएं, ये जितनी भी जो कोशिश है, हरियाणा को पीछे ले जाने का काम इन्होंने किया। हरियाणा के लोगों के ऊपर कर्ज डबल से ज़्यादा पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने चढ़ा दिया, तो कहीं दिखाई नहीं देता कि जो पैसा ये वो कर रहे हैं, जिस तरीके से खर्चे की बात होती है, उसका लाभ आम जनता को मिल रहा है। अशोक तंवर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और देश के युवाओं को रोजगार देगी, जबकि बीजेपी ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। अशोक तंवर ने एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान में किए गए हमले के भी सबूत मांगे और कहा कि अगर पाकिस्तान के 300 आतंकी मारे हैं तो उनकी तस्वीर मीडिया में क्यों नहीं आई। बीजेपी तो पहले दिन से राजनीति कर रही है। सीज फायर वायलेशन पिछले 5 साल के अंदर 2 से 2500 बार सीज फायर वायलेशन हुआ, हजारों सैनिक मारे गए। इस पूरे मामले में भी 45 पुलवामा मारे गए और उसके बाद लगातार जिस तरीके से टेंशन है और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो करके हमारे शहीद मारे गए, हरियाणा के भी हैं, उसमें और भी साथी हैं एयरफोर्स के मारे गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहते हैं कि जब पूरा विपक्ष एक साथ था तो क्या यही एक्टिविटी थी जिसमें ये भी नहीं पता चला कि पाकिस्तान में लोग कितने मरे हैं? किसी को यही आज तक नहीं पता चला है। वहीं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि गुरुग्राम लोकसभा से लड़ने की उनकी तैयारी है और पार्टी जो भी फैसला लेगी वो मंजूर होगा। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी केवल 150 सीट तक सिमट जाएगी। ऐसा है कि जहाँ तक लोकसभा की बात है, लोकसभा की बात है, ये पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। मैंने करीबन 600 गाँव के दौरे कर लिए हैं और हम लोग जो हैं बूथ वाइज भी हम लोग जो हैं हमने अपनी मेंबर्स बना लिए हैं और हम पूर्ण रूप से मैं तैयार हूँ। जो पार्टी फैसला लेगी और जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वो फैसला लेती है, अगर टिकट देगी तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। बादशाहपुर विधानसभा में हुए इस कार्यकर्ता सम्मेलन में NSUI के राष्ट्रीय महासचिव वर्धन यादव के ऑफिस का भी उद्घाटन किया गया। वर्धन यादव हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बादशाहपुर विधानसभा से तार ठोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें कांग्रेस की टिकट मिलती है तो वो बीजेपी के मौजूदा विधायक को धूल चटा सकते हैं। वहीं मंत्री राव नरवीर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री राव नरवीर सिंह ने 2014 चुनाव में जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो फर्जी हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 3-4 दिनों से इस प्रकार की गतिविधियां इस कार्यालय के सामने चल रही है। विभिन्न प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है और रोज एक नया नोटिस ऑफिस को तोड़ने का लेकर के आते हैं। जब इस मामले की तह तक जाने का मुझे मौका मिला तो उसमें निकल करके आया कि माननीय हमारे इस क्षेत्र के जीते हुए जनप्रतिनिधि माननीय PWD मंत्री जी किसी भी प्रकार से इस कार्यालय को, जो जन कल्याण की नीति इस कार्यालय से चलती है, उनको रोकना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो जबरदस्ती प्रशासन की तरफ से प्रेशर बनाए। अशोक तंवर ने सम्मेलन में ये भी आशंका जताई कि बीजेपी देश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ करा सकती है, जिसके लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, लेकिन देखना होगा कि क्या देश की जनता इस बार बीजेपी को दोबारा मौका देती है या फिर कांग्रेस के अच्छे दिन लाती है। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज।